नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है मंथन, मैं विनीत जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ मंथन के कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए मौजूद है योगेंद्र पारिक जी। नमस्कार सर, आज नमस्कार। हम इनसे चर्चा करेंगे। अभी आप सभी ने देखा होगा कि पैरालंपिक स्पोर्ट्स में, खास तौर पर शूटिंग में, राजस्थान की बेटियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। गोल्ड मेडल भी मिला है हमें, सिल्वर मेडल भी मिला है हमें, और पैरालंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने किया है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। पारिक साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप, क्योंकि शूटिंग से ताल्लुक रखते हैं और आप स्टेट लेवल शूटिंग में गोल्ड भी ले चुके हैं, तो आपको काफी अनुभव है इस चीज का, कि हम ये जो शूटिंग में और गोल्ड मेडल लाए हैं, अवनी लेखरा जी जो लाई हैं, इसमें किस तरह से तैयारियां रहती है और क्या क्या इसके पीछे कारण रहते हैं? देखिए, किसी भी खिलाड़ी को तैयार होने के लिए सबसे पहले उसको खुद को डिसाइड करना होता है कि उसको इस गेम में जाना है, और उसके बाद में जो रोल अदा होता है वो उससे ज़्यादा रोल उसके परिवार का होता है। पैरा में तो परिवार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नॉर्मल केस में भी अगर आपको परिवार सपोर्ट नहीं करता तो आप किसी भी खेल में आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल और परिवार जब सपोर्ट करता है, परिवार तन से भी करेगा और मन से भी करेगा और धन से भी करेगा। इन तीनों चीजों से जब किसी खिलाड़ी को एक परिवार सपोर्ट करता है या उसके साथ खड़ा होता है, उसके बाद में आवश्यकता होती है एक कोच की, एक उस एटमॉस्फियर की जहाँ की उसको सीखने को, खेलने को वो सब चीजें मिले, तो फिर कोच की तलाश होती है। जब एक सही कोच मिल जाता है, खिलाड़ी में एक जज्बा होता है, परिवार उसके साथ होता है, तो परिणाम अपने सामने होता है। इसमें मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन तीनों चीजों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। वही बात, सबसे बड़ी बात है कि हमने ये चीज नोट किया अभी कि एक मेन ओलंपिक्स और एक पैरालंपिक ओलंपिक्स। मेन ओलंपिक्स में हम शायद एक भी गोल्ड नहीं जीत पाए, परंतु यहाँ पैरालंपिक्स में हमने 2 या 3 गोल्ड जीत लिए, काफी सारे मेडल जीत लिए, एक ही दिन में हमने 7-7 गोल्ड जीत ली, 7-7 मेडल जीत लिए। तो क्या कारण है कि हम मेन ओलंपिक्स में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, परंतु पैरालंपिक में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये इतना आसान नहीं है कि मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसको क्लियर करूं, फिर भी मैं अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं। इस वक्त जो जो भी कोई खेल में बढ़ावा मिलता है उसमें सरकार का सबसे बड़ा रोल होता है। मैं इन तीन चीजों के साथ में सरकार का रोल बताना भूल गया था। सरकार का रोल अभी 2037 में जो इंडिया में ओलंपिक लाने की संभावना है, पूरा फोकस उसके ऊपर है। तो अभी जो खिलाड़ी हैं तो वो मशीनरी उधर काम कर रही है, तो इस तरफ इतना ज्यादा वो अपना फोकस नहीं कर पा रहे, इसलिए जो ऐसे लगता है कि भाई किसी ने गोल्ड लिया, किसी ने सिल्वर लिया, किसी ने ब्रॉन्ज लिया, या वो चौथे नंबर पे, छठे नंबर पे आ गया, ये बहुत माइनर डिफरेंस होता है, और वो माइनर डिफरेंस ही आपको बहुत आगे और बहुत पीछे कर देता है। तो ऐसे मायूस अपने को नहीं होना चाहिए कि हमें गोल्ड नहीं मिला, हमें सिल्वर नहीं मिला, लेकिन इस अभी जो ओलंपिक के अंदर फोकस किया जा रहा है वो 2037 के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए पूरी मशीनरी को लगाया जा रहा है, रेगुलर जो है वो कम है। अब अपन बात करें पैरा ओलंपिक की और इस ओलंपिक की तुलना करें, पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं उनकी संख्या अन्य विदेशों से आने वाले खिलाड़ी और भारत के खिलाड़ी के तुलनात्मक रूप से अगर अपन देखते हैं तो वो भारत की ज्यादा अच्छी है, परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, जबकि और जो नॉर्मल खिलाड़ी हैं उसके अंदर और देशों के मुकाबले भारत की संख्या उतनी नहीं है। तो सिर्फ पैरा ओलंपिक और इस ओलंपिक को कंपेयर नहीं कर सकते, पैरा ओलंपिक को करो आप और देशों के पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के मुकाबले, और नॉर्मल खिलाड़ियों को करो आप उन नॉर्मल और देशों के खिलाड़ियों के मुकाबले, जो रिजल्ट अपने पास आएंगे वो 2037 के ओलंपिक के बहुत अच्छे आएंगे। परंतु इसमें जो सबसे टफ चीज होती है एक पैरालंपिक खिलाड़ी, क्योंकि उसको, क्योंकि कोई ना कोई शारीरिक कमी होती है इसीलिए वो पैरालंपिक में जाता है, तो शारीरिक कमी होने के बाद एक तरह से मॉरल भी बहुत डाउन हो जाता है कि मेरे में तो शारीरिक कमी है, मैं क्या करूंगा। और उस पर भी आप खेल, और खेल में भी ओलंपिक,
और ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लाना, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए कितना कितना काम करना पड़ता होगा, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए सर, ओलंपिक में गोल्ड लाना वाकई बहुत बड़ी चीज है और उस चीज का मैच कोई भी नहीं है। वो अपने आप में उस साल का पूरे विश्व का सबसे विजेता रहता है, तो वो तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, उस मेहनत की तुलना भी नहीं की जा सकती। एक पूरा जीवन लग जाता है, अपने 5 साल 10 साल व्यक्ति देता है, सरकार उसको पूरा सपोर्ट करती है, परिवार पूरा सपोर्ट करता है, तो बहुत ज्यादा मेहनत उसमें लगती है। अभी जैसे अपन राजस्थान की बात करें अपन जी, तो अवनी लेखरा जी हैं जी और मोना अग्रवाल जी हैं जी, दोनों ने शूटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, गोल्ड भी लिया, सिल्वर भी लिया जी। तो इसमें आप ये बताइए, अवनी जी की बात करें तो उनके कोच चंद्रशेखर जी आपके बहुत नजदीक हैं, तो आपको उनके बारे में काफी कुछ पता होगा, थोड़ा प्रकाश डालें कि अवनी जी ने किस तरह से मेहनत की है और किस तरह से उन्होंने गोल्ड लाया। देखिए जब अवनी जी के जो कोच हैं चंद्रशेखर जी, उनसे भी मेरी पहचान है। मोना जी के कोच हैं योगेश शेखावत जी, उनसे भी मेरी बहुत अच्छी पहचान है, सभी लोगों को, क्योंकि मेरे को लगभग 10 साल हो गए जयपुर शूटिंग रेंज में जाते हुए और अलग अलग तरीके से खेलते हुए। अवनी जी का केस अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा तपस्या अवनी जी के बाद में अगर किसी ने करी है तो उनके पिताजी साहब ने करी है। उन्होंने इतना मोटिवेशन दिया है, इतना टाइम दिया है अपनी बच्ची के लिए, तो वहां पे अगर व्यक्ति के रूप में देखें कि किसका सबसे ज्यादा सहयोग है, तो उनके पिताजी साहब का बहुत बड़ा सहयोग है। कोच कमी है अपने लेवल पे कोच का, लेकिन अगर कोच की और उनकी तुलना करें, या अपन ये देखें कि कोई भी फैमिली कितना सपोर्ट करती है जनरली, उसके मुकाबले में देखें तो बहुत ज्यादा है। मोना जी के केस में परिवार ने बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन वहां योगेश शेखावत जी का जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, ये पैरा ओलंपिक में जो दोनों ही बच्चियों की आप बात कर रहे हैं, ये बाई बर्थ से दिव्यांग नहीं है, दुर्घटना किसी कारणवश हुई है, उसके बाद में ये हुई है। तो जब आप एक बार दिव्यांग हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो आप में एक जज्बा उत्पन्न होता है, दो चीजें, या तो आशा या निराशा, निराशा हो जाती है, आशा या निराशा। तो इन दोनों बच्चों के अंदर आशा रही और वो जब चीज दिल से निकल करके आई तो ये आई कि नहीं, हमें अपने आप को साबित करना है कि अगर हमारे शरीर में कोई दिव्यांगता है तो हम उसको किस तरीके से मुकाबला कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, खुद का नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। इस जज्बे के साथ ही वो लोग, आप तो शूटिंग के खिलाड़ी रह चुके हैं जी, अवनी जी का जैसा मैटर है कि उनके दोनों पैर काम नहीं करते, कमर से नीचे का हिस्सा उनका काम नहीं करता जी, और इसमें शूटिंग में तो विशेष तौर पर रीढ़ की हड्डी का रोल बहुत ज्यादा रहता है जी, तो उस चीज कमी को कैसे पूरा किया गया हो? देखिए यही सेम चीज मोना जी की भी है, उनकी भी सेम है जी, हाँ बिल्कुल सेम है, हालांकि उनकी एज में फर्क है, उनके 2 बच्चे भी हैं, उसके बाद में उनके साथ में ये दुर्घटना हुई और 3 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने इतना सब को कवर कर लिया। उनको कुर्सी पे व्हील चेयर पे बैठ के और उसके बाद में अपना खेल खेलना होता है, और व्हील चेयर जो है वो सब भी ओलंपिक गाइडलाइन से प्रेस्क्राइब होती है, कितनी ऊंची होगी, किस कितनी चौड़ी होगी या कितनी, वो सारा मेजरमेंट है। हाँ, तो इसलिए वो आसान तो नहीं है। अगर अपने पर सब कुछ होते हुए भी अपन कोई चीज नहीं कर पा रहे और वो कमी होते हुए भी कर रहे हैं तो आसान तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मेहनत करी और उन्होंने ये अच्छी। इसमें सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है वो उनकी इच्छा शक्ति होगी जी, जो सबसे मेन काम करती है इसके पीछे। बिल्कुल, जब तक व्यक्ति की इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आप उसको आगे ले जा ही नहीं सकते, भले कितना मोटिवेट कर लो। व्यक्ति की इच्छा शक्ति सर्वोपरि है, परिवार की इसलिए है कि कई बार आदमी खुद टूट जाता है। बिल्कुल, निराशा सबके मन में आती है, मेरे भी मन में आती है, आपके भी आती होगी, तो आती है कई बार, लगता है कि यार शायद नहीं हो पाएगा। हाँ। तब वो परिवार इच्छा शक्ति बढ़ाता है, वो कोच इच्छा शक्ति बढ़ाता है, लेकिन मेन तो उस खिलाड़ी करना उसको है। इससे
मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से गोल्ड आया है और भी कई मेडल आए हैं, तो बाकी बच्चों को भी जो दिव्यांग हैं भी और जो नहीं भी हैं, उनको एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें आगे बढ़े और इस तरह से इतना नाम देश का रोशन करें कि हम ओलंपिक में जाएं, गोल्ड मेडल के आए। सब बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है जब ये मेडल लेके कोई भी बच्चा, चाहे वो दिव्यांग है या दिव्यांग नहीं है, और वो जब शूटिंग रेंज आते हैं, तो आप जो नए खिलाड़ियों को देखिए, उस वक्त जो फील होता है कि उनको, उनसे बात करके, उनके ऑटोग्राफ लेके कितना रोमांच होता है। बिल्कुल, तो नए बहुत ज्यादा सीखते हैं इन सब चीज। अभी इस वक्त जो सरकार का रोल है वो कितना पॉजिटिव है इन खेलों को लेकर? देखिए, सरकार का रोल, मैं भी 64 ईयर का हो गया, तो बहुत सालों से बहुत चीजों को देख रहा हूं। इस समय जो सरकार कर रही है, कभी भी पिछली किसी भी सरकार ने इस तरीके की प्लानिंग नहीं करी, इस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो बहुत अच्छा कर रही है सरकार। अपन कमी निकालने बैठे हैं तो अपन किसी की भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक सस्टेनेबल चीजों को देखते हुए, सिर्फ गेम तो है ही नहीं इंडिया में कि बस इसी को करना है, सस्टेनेबल चीजों को देखते हुए सरकार इस समय बहुत अच्छा कर रही है। मतलब ओलंपिक्स में और बाकी सब खेलों में इस वक्त सरकार का रोल काफी पॉजिटिव है और अच्छे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। चलिए, और होंगे, और होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पारिक साहब आपका। मैं विनीत जैन। आज के मंथन का सार ये निकला कि हमें जिस तरह से पैरालंपिक में गोल्ड मेडल्स और काफी सारे मेडल्स आए हैं, और हमें एक आशा जगी है कि भविष्य में जिस तरह का रुख चल रहा है, तो कई लोग प्रेरित होंगे इससे, और हमें मेन ओलंपिक्स में भी और ज्यादा गोल्ड और ज्यादा मेडल्स मिलेंगे। मैं विनीत जैन, न्यूज़ फ्लैश।